वेलकम बैक दोस्तों। मिल्क केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध का लिया हुआ है कढ़ाई पे। आप भी कढ़ाई में या पैन में 1 लीटर दूध ले सकते हैं। इसकी हमें रबड़ी बनानी है, यानी कि जब ये बिल्कुल गाढ़ा और दानेदार कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में ये गाढ़ा हो जाएगा, रबड़ी बन जाएगा, तब हम इसमें आगे की प्रक्रिया करेंगे मिल्क केक बनाने की। और उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वहाँ पर सब्सक्राइब जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आप क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी कोई भी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इसको आपको लगातार किसी चम्मच से या कलछी से चलाते रहना है, जिससे कि ये लगे नहीं। आप हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम में इसको रबड़ी जैसा बनाकर तैयार करें। आप देखें, किनारे अगर मलाई जम जाए तो आप उसको इससे हटाते रहिए, नहीं तो उसे जलने लगेगा हमारा जो खोया या रबड़ी है। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की रबड़ी हमें करनी है, या थोड़ा इसे और गाढ़ा आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं दूध, अब ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा दाने जैसा दिखने लगा है। इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, नींबू लेना है। ये नींबू का रस है, एक छोटा नींबू। अगर आप 1 लीटर दूध ले रहे हैं तो आप एक छोटा नींबू का ही इस्तेमाल करें। अगर नींबू बड़ा है तो आप आधा नींबू ही डालें। अब आप इसमें ये देखिए, जितना नींबू का रस है लगभग उतना ही पानी की मात्रा इसमें इस तरह से मिला लेना है दोनों को, ये देखिए। और फ्लेम को मैंने अभी धीमा कर दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस रस को इसमें डाल देंगे। फ्लेम को धीमा ही रखें, मीडियम ही रखें थोड़ी देर के लिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा ना फटे हमारी रबड़ी, कि पानी बिल्कुल अलग अलग ही हो जाए। फिर भी अगर आपका दूध ये रबड़ी फट नहीं रही है तो आप इसको इसमें थोड़ा सा नींबू और मिला सकते हैं। अब फ्लेम को धीरे धीरे बढ़ाइए, मीडियम कर लीजिए। आप देखेंगे कि पहले से ज़्यादा दाना बनने लगा है, देखिए डालते ही तुरंत गाढ़ा हो गया है। और दोस्तों, मिल्क केक में चीनी का प्रोपोर्शन मैं आपको बता दूं, 1 लीटर चीनी में करीब 100 ग्राम चीनी, 1 लीटर दूध में 100 ग्राम चीनी पड़ती है। अगर आप 2 लीटर दूध ले रहे हैं तो 200 ग्राम लीजिए चीनी, और 3 लीटर ले रहे हैं तो 300 ग्राम। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया था, तो मैं लगभग 100 ग्राम चीनी अंदाजा से ले लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये किस तरह से अलग अलग हो गया है, पनीर जैसा थोड़ा थोड़ा बन गया है, छाना जैसा। अब इसको चलाते रहिए बराबर, थोड़ा गाढ़ा होने तक, जिससे कि ये जो एक्स्ट्रा इसका मॉइस्चर यानी पानी निकला है ये थोड़ा सूख जाए। मीडियम फ्लेम पर बराबर चलाते रहिए। लगभग लगभग इसका पानी सूख गया है, तो मैं इसमें लगभग 100 ग्राम चीनी ले रही हूँ। अब हम इसको भी मिलाएंगे, फ्लेम को थोड़ा सा धीमा रख लें, क्योंकि चीनी एक बार गर्म हो जाएगी तो फिर बहुत तेज़ गर्म रहती है। इसको भी चलाते रहिए और चीनी को घुलने का इंतज़ार करते हैं। और चीनी घुलने के बाद जो पानी छूटेगा यानी पानी बनेगा इसमें, हमें उसको भी सुखाना है। जब तक ये हो रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ इसको जमाने के लिए क्या करना है। इसको जमाने के लिए मिल्क केक को कुछ इस तरह का फ्लैट बर्तन आपके पास हो तो बहुत अच्छा रहेगा, या आपके पास कोई रिंग मोल्ड हो, या आपके पास इस तरह कटोरी हो। अगर ज़्यादा है तो कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं इसकी जगह। फिर भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको प्लेट में ऐसे ही डाल के जमा सकते हैं, नॉर्मल हलवे या बर्फी की तरह। इसको हम थोड़ा टाइट करेंगे, जमाने वाली कंसिस्टेंसी तक लाएंगे। अभी ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है, यानी कि बह रहा है। मिल्क केक को अगर आप किसी कटोरी में जमा रहे हैं तो फ्रेंड्स, उसको बहुत मोटा नहीं जमाया जाता है, यानी कि जो ऊंचाई आप रखेंगे, मोटाई बहुत मोटा नहीं, बस 1 से 1.5 इंच के लगभग उसको मोटा रखें, बस उससे देखने में। फिर अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप 3-4 लीटर दूध का बनाने वाले हैं, तो आप कोई छोटी सी थाली ले लीजिए, जो चौकोर थालियाँ आती हैं, यानी कि नीचे बिल्कुल फ्लैट होती हैं। अब ये बस थोड़े से देर में होने ही वाला है, ये देखिए। अब ये उतना नहीं बह रहा है जितना ये पहले बह रहा था, थोड़ा सा इसको और चलाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बस आप चलाते रहें, ध्यान रखें ये लगे नहीं नीचे। चीनी इसमें कम ही रखें, आप ज़्यादा ना डालें, क्योंकि मिल्क केक मिठाई के जितना मीठा नहीं बनाया जाता है।
अब मैं गैस बंद कर दूंगी क्योंकि अभी चीनी बहुत गर्म है तो चीनी पकेगी। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं रह गया है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है इसके अंदर। मेरे पास एक इस तरह का बर्तन है, मैं इसमें डाल लूँगी, इसमें निकाल लूँगी और इसको फ्रेंड्स ठंडा होने देना है, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं डालना अभी। जब ये जम जाएगा आप काट लेंगे, आप इसके नीचे घी भी लगा सकते हैं इसमें। और बस ये बिल्कुल, ये देखिए मैंने गोल जमा दिया है, अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको रेसिपी, आप इसको फिर बाद में पलट कर काट सकते हैं, नीचे घी लगा कर जमाइए तो आसानी से निकल आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पर, अपने आप इसको ठंडा होने दीजिए। मैंने इस तरह से काट लिया है, ये निकल आया है, आप थाली या प्लेट में भी जमा सकते हैं। आप इस तरह से अपने मनपसंद टुकड़े इसके काट लीजिए, जैसे भी आप काटना चाहते हैं। और देखिए ये निकल आया है आराम से, कोट टुकड़ा लेकर मैं यहाँ रख देती हूँ इस प्लेट में। ये देखिए बहुत ही दानेदार है, अब आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और बढ़िया ये और टाइट हो जाएगा, फिर आप इसको ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको दाने दिख रहे होंगे, ये देखिए बढ़िया कलर आया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको शेयर करें और कमेंट में लिख के बताएं कैसी लगी।